क्विज़ जो आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए, नेट के लिए, एनडीए के लिए, सीटेट के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्विज़। और काफ़ी मुझसे कमेंट मिले, लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि सर टॉप 100 क्वेश्चन की आप एक हिस्ट्री का चैनल बनाइए कि सो डेट कि हम बिफोर द एग्ज़ाम 5 to 10 मिनट्स को देखें और हमारी एक तरीके से रिवीजन हो जाए। तो ठीक है, पार्ट वन मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं इसकी 10 वीडियो बनाऊँगा प्राचीन इतिहास की, जिसमें हर वीडियो में 10 10 क्वेश्चन का रिवीजन होगा आपका। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और चाहे तो आप एक पेपर पेन करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए, और अगेन मैं आपको रिपीट कर दूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लस gmail ID। या कोई प्रॉब्लम हो, वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है लिंक कि सर ये क्विज़ कहाँ पड़ी है क्वेश्चन, तो आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्न राजवंशों में किस राजवंश का शासन था? देखिए, नंद मौर्य शोक कर्ण, यस नंद वंश, नंद वंश है जिसने सिकंदर ने जब आक्रमण किया था, नंद वंश उस टाइम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत में कौन बुद्ध के समकालीन थे? देखिए, अजातशत्रु तो आपको, अजातशत्रु जो कि हमारे सेकंड भी थे, तो बिंदुसार, प्रसेन, यस अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। थर्ड क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ध्यान रखिएगा 1789 में, डी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर, फ्रांस की राज क्रांति किसके शासनकाल में? देखिए, किसके शासनकाल में क्रांति हुई, तो लुई 16। लोग 14 और 16 में कन्फ्यूज होते हैं, ध्यान रखिए 16 में हुई, लुई 16 के समय काल में हुई है। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? वह शक्तिशाली था, अच्छा प्रशासक था, भारतीयों ने सहायता दी। यस, भारत में उस समय कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी, एक सेंट्रलाइज पावर नहीं थी, जिसके रीज़न ये रहा कि सिकंदर को जीत मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार UPSC में पूछा गया, ध्यान रखिएगा सिकंदर अम्बी और पोरस सिकंदर, ये कन्फ्यूजन दोनों टर्म है, तो ध्यान रखिएगा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, मैं ही राज में कथन किसने कहा? लुई 14 ने कहा, बहुत ही तेज राजा थे, तो लुई 14 ने कहा था। बरसाए के शीश महल का निर्माण किसने कराया? यस, इसका भी आंसर लुई 14 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न युगों में से कौन से सुमेरियन, ये इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, या ऐसे भी आ सकते हैं, बहुत हो जाए। देखिए, लोथल को प्राचीन गोदी क्षेत्र कहा था, बिल्कुल सही बात है। सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर, नहीं ये गलत है, राजगीर में नहीं है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, यस सही। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ मेरा बिल्कुल राइट है, और बाकी सॉरी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सी मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ रहा? यस, अगर आपने प्राचीन हिस्ट्री शुभाष से पढ़ी है कि कौन पहला राजा आया था, बिंबिसार आए थे, तो भी पता होगा इसका आंसर वैशाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।